look here for my speed. Ma'am here. Ma'am, you enter here, look here, sir. Sir, here, ma'am here. Yes, yes, yes. Right, miss? Come right, sir. When we are back,
पहिला प्रश्नात उत्तर देतो मी की एवढे वर्ष का आय थिंक एकच उत्तर आहे, गेलेला आहे दुरुस्त आहे. ऑफर द्यायचा पण की करून कुठल्यातरी एक मोमेंटसाठी वाढतो दुसरं आणि तो मोमेंट मला ही सगळं ऐकल्यानंतर राहणार मराठी सिनेमा त्यामुळे प्रत्येक चित्रपटाचा एक योग असतो आणि ते जेव्हा ऐकायला खूप अनेक योग एकत्र आल्यानंतर मग आपल्याला त्याला चित्रपट मिळतो. आणि ह्या चित्रपटाने मला नवीन काय करत मला खूप मागील अशी एक आठवण दिली आहे ज्या पद्धतीने माझी निवड झाली आहे चित्रपटासाठी की ह्यापूर्वी असं कोणासोबत मला शेअर करायचं आहे. आय रिमेंबर लास्ट बरेच दिवस फोन करत होते आणि माझा फोन लागत होता बिकॉज मी कोकणात मराठीत बोलू ना. वृंदावन हा आमचा चित्रपट 8 एप्रिलला रिलीज होतोय. गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर आम्ही येतोय आणि जसं तुम्ही ट्रेलर पाहिलात आमची गाणी पाहताय. खूप मोठा असा पसारा आहे या फिल्मचा, आर्टिस्ट खूप आहेत याच्यात आणि एक बिग बजेट फिल्म आता मराठीत येते त्यामुळे येस इट इज अ बिग फिल्म. आणि आतापर्यंत मराठी प्रेक्षकांनी जे प्रेम दिले मराठी चित्रपटाला मराठी कलाकारांना ते आता आम्ही दुपटीने परत करत आहोत वृंदावन या चित्रपटातून. आणि हे जे प्रत्येक चित्रपटाच्या रिलीजच्या अगोदर येतं आणि ते ऑब्व्हियस आहे, टेन्शन आलंच पाहिजे, पण एवढी गॅरंटी नक्कीच आहे की हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्की आवडेल आणि आम्ही वाट बघतोय तुमच्या प्रतिक्रियाची. वृंदावन हा चित्रपट कम्प्लिटली फॅमिली एंटरटेनर आहे, एक पारिवारिक चित्रपट आहे. अगदी लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत तुम्ही संपूर्ण कुटुंबाला एकत्र घेऊन ही फिल्म बघायला तुम्ही जाऊ शकता एवढी गॅरंटी मी नक्कीच देते. आणि ह्यात एक काय म्हणतात त्याला, रोमॅन्स आहे, ऍक्शन आहे, ड्रामा आहे, भरपूर अशा गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला एकाच चित्रपटात मिळतील, असे भव्य देखावे पाहायला मिळतील. एक मोठी हवेली आहे आमच्या चित्रपटात, ती आय डोंट थिंक सो मराठी चित्रपटात ह्यापूर्वी दिसली होती. सो खूप छान दृश्य तुम्हाला पाहायला मिळेल त्या चित्रपटात. अरे बापरे, नाही नाही एक नक्कीच नाही निवडू शकत कारण का अमित राजने सर्वच गाणी खूप छान दिली आहेत, पण मला आवडणारं गाणं डॅशिंग गोविंदा ऑफकोर्स.
आणि सगळीच गाणी पण मला डॅशिंग गोविंद थोडं जास्त आवडतं, कारण का गणेश मास्टरनी ते कोरिओग्राफ केलंय आणि असं खूप छान मेमरीज आहेत त्या गाण्याच्या, त्यामुळे दॅट्स माय फेवरेट सॉन्ग. गणेश मास्टर्स हे तुमच्या संगीत ते काम केलेले, ते अनुभव कसे होते त्यांच्यासोबत? कमाल अनुभव होता गणेश आचार्य यांच्यासोबत काम करण्याचा, कारण का जे गाणं दिसतं की हां कदाचित त्याला 4-5 दिवस लागले असतील, ते गाणं एका दिवसात त्यांनी शूट करून दाखवलंय आणि इतक्या सगळ्या आर्टिस्टना एकत्र करून जवळपास 800 आम्ही आर्टिस्ट होतो त्या सेटवर. सो कमाल आहे, आणि आय थिंक गणेशरच करू शकले असते, तर कोणालाच एका दिवसात ते गाणं जमलं नसतं. हा मूवी आहे हा थोडाफार द सुपर खिलाडी हा जो मूवी आहे साऊथचा, त्याचं ट्रेलरवर असं काय वाटतंय सेम वृंदावन हा वृंदावनम या साऊथ फिल्मचा रिमेक आहे. सो रिमेक जरी असला तरी बऱ्याचशा नवीन गोष्टी आहेत ज्या मराठी प्रेक्षकांना आवडतील. सो जसंच्या तसं उचललं नाहीये, तर खूप काही नवीन देण्याचा प्रयत्न केला. थँक्यू. तुम्हीच बोलू का? सॉरी, हिंदी. वृंदावन ये मराठी के लिए थोड़ा अलग किस्म की फिल्म है. इसमें काफ़ी अलग अलग कलर्स शेड्स देखने को मिलेंगे. हम जैसे कहते हैं नवरस, उन सारे रसों का अनुभव इस फिल्म में देखने को मिलेगा. और बहुत अमेजिंग स्टारकास्ट है, महेश मांजरेकर, अशोक सराफ, शरद पोंक्षे, उदय टिकेकर, भारत गणेशपुरे जैसे मराठी के बहुत बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं. और उनके साथ काम करने का ये मौका मिला है, मुझे लगता है मेरा नसीब सचमुच सबके साथ मेरी वैसे तो पहली बड़ी फिल्म है और उसमें काम करने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है. सर आपकी फर्स्ट मैम आपकी फर्स्ट मूवी थी महेश मांजरेकर जैसे बड़े कलाकार जो कि बॉलीवुड यहाँ तक कि सारे फिल्मों में और मराठी की जितनी भी मूवीज हैं लगभग सारे मूवीज में काम कर चुके हैं और इतने अच्छा अभिनेता, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? वैसे ये मेरी महेश मांजरेकर जी के साथ पहली फिल्म नहीं है, इसके पहले मराठी में कोकणस्थ करके एक मराठी मूवी आ गई है जिसमें वो डायरेक्टर थे और जिसमें मैंने काम किया है. तो उनके साथ वैसे तो काम किया हुआ था, लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी, उनका एक ऑरा ही ऐसे है कि थोड़ा नर्वसनेस एक्साइटमेंट रहती ही है. लेकिन जैसे वो बहुत बढ़िया कलाकार है वैसे ही अमेजिंग इंसान भी है. उन्होंने काफ़ी संभाला और जहाँ भी उनको लगता है कि सजेशन कोई है जिससे हम इम्प्रूव हो पाए, वो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो हमें सजेस्ट करे और हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे. तो इन सभी बड़े कलाकारों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. मैं तो शुरुआत करूँ तो लिस्ट शायद काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं. उनका प्रोफेशनलिज्म है, पंक्चुअलिटी है, उनकी काम करने के अलग अलग तरीके, छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी सीखने को मिली. सच ही अगर मैं शुरुआत करूँ तो लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी. अमित राज जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस फिल्म के म्यूजिक के साथ. अलग अलग शेड्स गानों में भी दिखते हैं. एक इमोशनल सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक दही हंडी का सॉन्ग है फेस्टिव, और एक क्लब सॉन्ग है. मेरा पर्सनल फेवरेट शायद डैशिंग गोविंदा है, दही हंडी वाला गाना, क्योंकि एक बहुत बढ़िया म्यूजिक और हमें गणेश आचार्य जी, मास्टर जी जिन्हें हम कहते हैं, उनका आशीर्वाद मिला, उनकी कोरियोग्राफी के अंडर काम करने को मिला. तो मेरा फेवरेट डैशिंग गोविंदा रहेगा. देखा जाए तो बॉलीवुड में जिस तरह की रीमेक बन रही है साउथ मूवीज की, जी ये भी उसी का एक रीमेक लग रहा है द सुपर खिलाड़ी. रीमेक है और मुझे मैंने जैसे कहा कि ये मराठी के लिए थोड़ी अलग किस्म की फिल्म है. और मुझे लगता है हिंदी में तो हम लोगों ने देखा है कि रीमेक्स ने कितना बढ़िया उन्हें रिस्पॉन्स मिला है. और ऐसी आशा है, या शायद कहते हैं आई एम श्योर कि इस फिल्म को भी उतना ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा. मैं कहूँगी ये एंटरटेनमेंट का एक पूरा पैकेज है, मराठी के लिए काफ़ी अलग किस्म की फिल्म है. आई एम श्योर कि ये सभी को बहुत पसंद आएगी. तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि 8 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है, प्लीज़ जाके देखिए. वृंदावन 8 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पे. बहुत ही कमाल की स्टारकास्ट की फिल्म है. मतलब आई थिंक मराठी में पहली बार मराठी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो एक साथ एक स्क्रीन पे देखने मिलेंगे. और अगर मैं फिल्म में नहीं होता तो मैं खुद देखने जाता ये फिल्म, बिकॉज इतने सारे लोग एक साथ देखना, आई थिंक इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी.
पता नहीं अगली बार कब इतने सारे एक साथ देखने मिलेंगे। मैं पहली बार कर रहा हूँ फिल्म मराठी, एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई थिंक ऑडियंस विल ऑल्सो विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज एक फ्रेशनेस है फिल्म में, म्यूजिक बहुत अच्छा है, कलरफुल है, मैं तो कहूँगा एक पूरा पैसा वसूल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है। वाईकॉम ए टीम इज पार्ट ऑफ द फिल्म नाउ एंड वी आर प्रमोटिंग इट बिग टाइम, सो ऑल इन ऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड एंड आई होप इट डज वेल बिकॉज बहुत मेहनत की है यार सब लोगों ने। हटके है बिकॉज यस ये फैमिली एंटरटेनमेंट ही है बिकॉज एवरीबडी इन द फिल्म इज मतलब ऐसी कोई सीन्स नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है जिसमें आप बच्चों को नहीं दिखा सकोगे या कुछ ऐसा नहीं। फाइट्स भी है पर आजकल फाइट्स बच्चे भी देखना पसंद करते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो हर फैमिली मेंबर स्पेशली द मराठी जो कम्युनिटी है उनके फेवरेट स्टार कास्ट है इस फिल्म में, जो आज तक मैंने बचपन से इन लोगों को देखा है काम करते हुए और मेरे फेवरेट रहे। तो यार आई मीन अगर इन सबको अगर एक फिल्म में डाल दो, एक स्क्रीन पे डाल दो तो कौन नहीं देखना चाहेगा ये। उनके मैं अशोक सराफ जी का सबसे बड़ा फैन था, आई थिंक बचपन से लेके आज तक मैंने उनकी मराठी फिल्म्स देखी है, हम पांच में भी थे वो, तो आई थिंक ही वाज ही इज क्रेजी, आई मीन ही इज अ क्रेजी एक्टर जो स्क्रीन पे जितना फनी है रियल लाइफ में भी उतने ही ज्यादा फनी है, तो उनसे सीखने बहुत कुछ मिला मुझे और सबसे सीखने मिला है बिकॉज ये सारे दिग्गज जो है लोग उनके वो जब एक साथ में आते हैं तो मतलब एक हमने एक लास्ट सीन जो था जो सारे एक साथ एक फ्रेम में थे तो लोग कह रहे थे जो जर्नलिस्ट आए थे सेट पे वो कह रहे थे कि मराठी इंडस्ट्री की ये सबसे एक्सपेंसिव फ्रेम है, तो मजा है उनके साथ मतलब ऑल ऑफ देम आर शील्ड आउट पीपल। देखा जाए तो सीरियल सब करते थे, सीरियल से ये जो मराठी मूवीज़ का कमाल कर रहा है। आई थिंक एवरी जर्नी एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी हैज बीन वेरी फुलफिलिंग एंड I've derived a lot of pleasure out of it creatively. मुझे मैं आज तक मतलब जो भी हुआ है ups and downs जो भी life में हुए I think I really appreciate that कि मुझे ये देखने मिला ये सब कुछ because इससे बहुत सीखा है मैंने और आगे भी सीखना चाहूँगा बहुत सारा, तो I've loved it, मतलब journey जो रही है TV से film to TV मतलब up and down back and forth हमेशा होती रही है और मुझे मजा आता है, मतलब आई हैव नो क्वाम्स की मैं सीरियल ही करूंगा या फिल्म ही करूंगा, हो सके मैं शायद मुझे कोई अच्छी सीरियल की ऑफर हुआ है फिर से कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे फिल्म ही करनी है या सीरियल्स ही करने हैं, काम काम होता है, पैशन पैशन होता है, अगर आप पैशनेट हो और इंजॉय करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। गुड़ी पाड़वा के दिन एक स्पेशल दिन होता है मराठियों के लिए, मराठी कम्युनिटी के लिए, महाराष्ट्रियंस के लिए इट्स अ न्यू ईयर एंड फॉर अ न्यू ईयर वी आर गेटिंग यू अ न्यू बिगिनिंग एंड एक कमाल की फिल्म लेके आ रहे हैं मार्केट में, इतने सारे लोग एक साथ आपको देखने मिलेंगे, बहुत ही मेहनत करके फिल्म बनाई है और आई होप दैट ये मेहनत रंग लाएगी और सबको पसंद आएगी, देखिए प्लीज़।